एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे जंप करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। बहुत ही सिंपल है कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करना, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना। इसके लिए आप जिस डायरेक्टरी के फोल्डर में जंप करना चाहते हैं पहले वो डायरेक्टरी लिख लें। जैसे यहाँ पर डी डायरेक्टरी, आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ये डी डायरेक्टरी है, इसमें कृष्णा करके फोल्डर है, इसके अंदर तीन और फोल्डर है। तो एक इन फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट के जिस डायरेक्टरी में जंप करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी पहले लिख लें। उसके बाद टाइप कीजिए CD, उसके बाद स्पेस कीजिए, उसके बाद आप जिस फोल्डर में जंप करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। पहले क्रिस ना कृष्ण करके फोल्डर में जंप किए। देखिए डी डायरेक्टरी के अंदर कृष्णा करके फोल्डर ओपन हो गए। इसको देख भी सकते हैं आप, ट्री लिखेंगे तो अंदर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पास क्या शो हो रहा है, जो डी डायरेक्टरी के अंदर जो कृष्णा है, कृष्णा करके फोल्डर के अंदर ये तीन और फोल्डर है। जैसे और जंप कर सकते हैं, अब टाइप कीजिए CD। अब क्या देखिए डी डायरेक्टरी के कृष्णा के फोल्डर्स में क्या क्या फोल्डर है उसमें हम जंप कर चुके हैं। इसका ट्री देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। देखिए इस प्रकार आप किसी भी फोल्डर में जंप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।